पुतिन के परमाणु हमले की धमकी देने के बाद जापान ने रूस को केमिकल हथियारों के सामान की सप्लाई करने पर रोक लगा दी। एक हफ्ते पहले रूस के राष्ट्रपति ने ऐलान किया था कि परमाणु बम के इस्तेमाल को हवा हवाई खबर न समझा जाए, जिससे यह साफ हो गया कि रूस इस जंग में किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठा है। ऐसे में जापान ने रूस के इस फैसले पर अपना कड़ा रुख अपनाया और केमिकल हथियारों को बनाने में जो सामान इस्तेमाल होता है उसकी रूस को सप्लाई पर बैन लगा दिया। क्योंकि पुतिन की धमकी के बाद रूस के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका बढ़ गई है। साथ ही जापान ने रूस से अपील की कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करे। यही नहीं, जापान ने रूस के खिलाफ ये कदम उठाकर बता दिया कि वो जंग में यूक्रेन के साथ खड़ा है। क्योंकि 21 सितंबर को पुतिन के ऐलान से यह साफ हो गया था कि यूक्रेन से जारी युद्ध में रूस किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है और अगर उसे जरूरत लगी तो वो परमाणु बम के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेगा। पुतिन ने साफ कर दिया था कि परमाणु बम के इस्तेमाल को कोई भी कोरी कल्पना न समझे। मतलब ये कि यूक्रेन के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुतिन का ये ऐलान केवल जेलेंस्की या बाइडेन के लिए ही डराने वाला नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी दहशत फैल गई। क्योंकि पुतिन ने जो भी कहा उसका मतलब यह है कि यूक्रेन में अब तक जो कुछ भी हुआ उससे कहीं ज्यादा डरावनी तस्वीरें दुनिया को आगे देखने को मिल सकती हैं। पुतिन की इसी धमकी के बाद जापान ने उसे केमिकल हथियारों के सामान की सप्लाई करने से रोक दिया।